तो आज की वीडियो में मैं काफी इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ। 20,000 का फोन वर्सेस 1,60,000 के फोन के कैमरा में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली चार वीडियोस की सीरीज है जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। बाकी के जो तीन पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप बाकी पार्ट भी देख सकते हो टू कम्पेयर की इन दोनों में से कौन बेटर कैमरा फोन है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि iPhone 15 Pro Max वर्सेस 20,000 के फोन की फोटोज में क्या डिफरेंस आता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, ये मेरा नया चैनल है, सेकंड चैनल है बेसिकली, जहाँ पे मैं इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस डालूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना गिव अवे करें। तो ये सेनहाइजर का USB Type-C माइक्रोफोन है जिसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली नीचे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल पे आप सब्सक्राइब होने चाहिए। और ये चार वीडियो की सीरीज जब डल जाएगी उसके बाद मैं एक लकी विनर अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा। तो यहाँ कुछ साइड बाय साइड में आपको फोटोज दिखाता हूँ। अब सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोटिस करोगे वो है कलर्स का। अब यहाँ पे कई लोगों को शायद मोटो का आउटपुट अच्छा लगे, कई लोगों को आईफोन के सटल कलर अच्छे लगे। तो डिफरेंस यही है, जो नॉर्मली 20 से 30-35 हज़ार की रेंज में फोन आते हैं ना, उसका जो सैचुरेशन लेवल होता है वो हाई होता है। वो ऐसी फोटोज होती हैं कि वाइब्रेंट हो, सैचुरेशन अच्छा हो, ताकि मोस्ट ऑफ द लोग जो फोन लेते हैं वो सीधा फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं। आईफोन का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि आपको एडिटिंग में कलर्स एनहांस करने पड़ते हैं या फिर कलर्स काफी नेचुरल साइड पे रहते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से बाद में भी बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने डिफरेंस देखा वो है कॉन्ट्रास्ट का। और यहाँ मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग आउटपुट लगा कि मोटो एच 40 नियो जो 20,000 का फोन है उसमें शेडोज में भी डिटेल है, हाईलाइट को भी अच्छे से लाइक उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आईफोन में क्या है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है, तो जो शेडो एरियाज हैं वो थोड़े से डार्क रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये मैंने देखा है 15 प्रो मैक्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हाई कर दिया इस साल। तो अगेन आपको कौन सा आउटपुट बेटर लग रहा है आप कमेंट करके बताना, बट मुझे कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में ये जो 20,000 का फोन है इसका आउटपुट थोड़ा बेटर लग रहा है। आईफोन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है स्पेशली जो शेडो एरियाज हैं वहां उतना डिटेल नहीं दे रहा। ऑब्वियसली आप एडिटिंग में ले जाके आईफोन की फोटोज को एडिट कर सकते हो, बट स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं मुझे मोटो का आउटपुट बेटर लग रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज मोटो एच 40 नियो के बारे में बोलना चाहूंगा, ऑल्दो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आप लोगों को लगे जस्ट हमने दोनों फोन खरीदे थे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस रेंज में जो शेडो में डिटेल्स हैं, जो डार्क एरियाज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कंपेरेटिवली जो 8 गुना फोन है वो भी उतनी बेटर डिटेल शेडोज में नहीं दे रहा। उसके बाद दूसरी चीज की अगर मैं बात करूँ वो है स्काई में जो एक्सपोजर और जो कलर टोन्स आते हैं। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है, आईफोन स्काई टोन्स को काफी अच्छे से कैप्चर करता है, वो हमेशा से ही करते आया है। इस बजट के फोन्स में क्या होता है, स्काई नॉर्मली थोड़ा मेजेंटा टोन में चले जाता है, कलर टोन्स थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं स्पेशली हाईलाइट एरियाज में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जहाँ पे आपको जब आप इतना पैसा पे करते हो डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद HDR परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे हमने बैकलाइट सिचुएशन में कुछ फोटोज ली जहाँ सन पीछे था, वो भी फोटोज ली हैं। अगेन सरप्राइजिंगली आईफोन मतलब शेडोज में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा जितना ये मोटो एच 40 नियो दे पा रहा है। और इन फोटोज से आई एम ऑल्सो श्योर आपको भी ये लगेगा कि मोटो एच 40 नियो की जो फोटोज हैं वो देखने में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जहाँ पे आईफोन इतना महंगा होते हुए भी सबसे पीछे है वो है मिनिमम फोकस डिस्टेंस। आईफोन का मिनिमम फोकस डिस्टेंस बहुत खराब है, आप यहाँ दो फोटोज देखना, अगर आप थोड़ा पास से भी फोटो लेते हो ना आईफोन वहाँ फोकस ही नहीं कर पाएगा, जबकि ये 20,000 का फोन ईजिली फोकस करके आपको ऐसी बढ़िया फोटो दे पा रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप आईफोन के लिए इतना 8 गुना ज्यादा क्यों पे कर रहे हो, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए क्यों आप इस कैमरा फोन में इन्वेस्ट करते हो। उसके मैं कुछ रीजन आपको बता दूं फोटोग्राफी के हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट है, जब आप फोटोज को जूम इन करते हो ना तब आपको डिटेल में डिफरेंस दिखेगा। अब जब आप स्टैंडर्ड फोटो देख रहे हो आपको शायद दोनों में से कोई एक बढ़िया लगे, जूम इन करने पे डिफरेंस पता लगता है। जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो आईफोन की फोटोज में ऑब्वियसली बेटर होता है। दूसरा डिफरेंस है हाईलाइट कंट्रोल, जहां पे बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में ब्राइट पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, उसमें डिटेल और टेक्सचर रिकवर करना आईफोन काफी अच्छे से करता है। वही चीज अगर मैं 20 से 30 हज़ार के फोन की बात करूं वहां पे वो चीज उतना अच्छा नहीं होता। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कलर साइंस का। तो आईफोन का जैसे आपने देखा नेचुरल कलर्स रहते हैं, आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही कलर्स रिकॉर्ड होते हैं, बट अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए देन ऑब्वियसली आप मोटो एच 40 हो या इस बजट के फोन्स में भी वो चीज रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज, अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है। देखो स्टैंडर्ड में तो काफी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिला होगा, बट अल्ट्रा वाइड में क्या होता है, बजट फोन्स में ना अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बहुत एवरेज दिया जाता है कंपेयर टू अगर हम हाई लेवल कैमरा से बात करें। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डिटेल कम है, टेक्सचर कम है, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेज है आपको देखने को मिलते हैं। इवन कलर्स जो हैं वो मिड
रेंज में ना थोड़े से मेजेंटा में चले जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में। आईफोन में वो वेंटीन रहता है, और एक सबसे मेजर डिफरेंस जो अल्ट्रा वाइड एंगल में मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स में लगा वो है डिस्टॉर्शन का। तो ये डिस्टॉर्शन को अच्छे से कंट्रोल करता है, एजेस में जो लाइंस बेंड होती हैं मिड रेंज फोन में आईफोन उसको कंट्रोल बेटर करता है। उसके बाद हमने हाई मेगापिक्सल में भी फोटोज ली, मोटो एच 40 में 50 मेगापिक्सल, आईफोन में 48। यहाँ पे अगर आप जूम करके भी देखोगे तो देखो डिटेल क्लैरिटी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है बिकॉज ये रेजोल्यूशन है। तो जितना हाई मेगापिक्सल काउंट होगा उतनी बेटर डिटेल होंगी, तो दोनों एकदम नेक टू नेक है। मेजर डिफरेंस जो है वो है प्रोसेसिंग में, तो आईफोन हाई मेगापिक्सल मोड में प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर करता है, ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज देगा, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा करेगा, एंड ऑल ओवर जो लुक एंड फील है फोटो का वो आपको आईफोन से बेटर मिलेगी। इसमें हमने फोटोज में लो लाइट का एक कंपैरिजन किया है। अब यहाँ पे देखो क्लियरली आईफोन जीतता है। अगर आप नॉर्मली स्टैंडर्ड फोटोज देखोगे, आई वुड लाइक टू से कि मोटो ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम किया है, नॉइस कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल लुक एंड फील अच्छा है, बट जो मेजर डिफरेंसेस है ना वो है डिटेल और टेक्सचर की, जो आईफोन में थोड़ा बेटर आता है। हाईलाइट कंट्रोल स्पेशली आईफोन का थोड़ा अच्छा है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में लो लाइट फोटोज ले रहे हो जहाँ हाईलाइट्स भी हैं शेडोज भी हैं, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस दिखना शुरू होता है जब आप ज़्यादा पैसा पे करते हो, जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मोटो एच 40 न्यू एक्चुअली काफ़ी बढ़िया आउटपुट दे रहा है कंसिडरिंग जो आप अमाउंट पे करते हो। तो जैसे कि आपने इस कंपैरिजन में देखा, मैंने इन दोनों फ़ोन का जो कैमरा कंपैरिजन दिया, कंसिडरिंग कि ये जो फ़ोन है आईफोन ये 8 गुना ज़्यादा कॉस्ट करता है इस मोटो एच 40 न्यू से, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगे, कुछ खास डिफरेंस थे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।